हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आज मैं करने वाली हूँ कुछ डिफरेंट। सो क्या हुआ कि मैं कुछ ना यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी एंड आई फाउंड दैट यूट्यूबर जिसमें कोई भी DIY नहीं था, बट इट वाज अ रियली नाइस ड्रेस उसने बनाई थी दैट ही कलेक्टेड फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप। आई थिंक सम रोप्स एंड सम रैपिंग पेपर्स फ्रॉम जनरल स्टफ ही मेड अ ब्यूटिफुल रियली ब्यूटिफुल ड्रेस। एंड मैंने तब सोच लिया कि शायद मैं भी ये कर सकती हूँ, तो मैं भी ले आई एक, ये है मेरे पास रैपिंग पेपर एंड मुझे नहीं पता इसमें क्या करूँगी, बट मैं ले आई जो मुझे पसंद आया। एंड मेरा अपना जो थॉट था कि मैं क्या बना सकती हूँ वो था कि ये दीज आर द स्पायरल्स जो हम प्रिंटर की शॉप से जो हम प्रिंट कराते हैं तो यहाँ से मिलता है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहाँ इसमें लगाएंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये इतना बड़ा मैं लगाई हूँ, ऐसे दो लाई हूँ मैं, एंड आई थिंक ये पूरी ड्रेस में आ जाएगा। सो आई थिंक कि हम कुछ ज़्यादा वेट नहीं करते एंड शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये है ड्रेस का बेस जो कि जिसपे मैं स्पायरल अटैच करूँगी। एंड ये है कोई टॉप है मेरे, कोई पुरानी ड्रेस का फाड़ा हुआ कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा। एंड जो स्कर्ट है उसका भी यही हाल है, तो मुझे स्टिचिंग करने का ज़्यादा मन नहीं था, तो आई जस्ट जॉइन बोथ ऑफ देम एंड ये पूरी ड्रेस बन गई। एंड इसके ऊपर मैं पूरी स्पायरल लगाऊंगी, ऐसे मैंने इसको जॉइन कर दिया। एंड अभी आप देख सकते हो कि इतना लंबी सी ये जो वायर है ये है ग्लू गन की। सो अभी ग्लू गन अभी बहुत टाइम लगेगी गर्म होने की, एंड तब तक आई विल ये मैं स्पायरल इसको ज्वाइन करूँगी। और ये स्पायरल को भी मुझे स्ट्रेच भी करना है ताकि और लंबा हो जाए। एंड आई डोंट नो कि कैसा रिजल्ट आएगा, बट आई थिंक कि बहुत अच्छा लगेगा इस पर। और अभी जब रिज़ल्ट आएगा तब देखना वीडियो को एंड तक। मैं जब स्पायरल को देखती थी तो मैं सोचती थी कि कुछ इससे बहुत अच्छा बन सकता है, एंड फाइनली मैं आज इससे कुछ कर रही हूँ। एंड ये ज़रूर बताना कि अगर ये ड्रेस अच्छी बन गई तो आप क्या पहनोगे इसको। ये देख सकते हो बहुत छोटा छोटा स्पायरल है, बहुत क्या कह सकते हैं इसको, टाइनी स्पायरल्स हैं, तो इसको तो हमें सब बड़ा करना है, ऐसे करना है। बहुत थोड़ी देर के लिए ऐसे होते हैं, बट दे आर ऐसे कर देते हैं इसको। वो बस डिफरेंस ये है, ही यूज्ड रोप्स एंड आई एम यूजिंग द स्पायरल। सो दिस इज माय ओरिजिनल आइडिया यार। चलो लेट अस वर्क नाउ। ये बहुत सारा हो गया स्पायरल एंड नाउ वर्क। सो दिस इज माय ग्लू गन। हम इसके इससे शुरू करते हैं। चिपक गया, वाओ। टिल नाउ दिस मच वर्क इज डन एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये अभी पूरी ड्रेस में लगेगा ये स्पायरल्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, दैट इसमें ना ग्लू गन दिख रही है। यू कैन सी, अगर हम जूम करके देखेंगे तो ग्लू गन दिख सकती है तो बहुत सारी, बट अगर मैं इसमें कलर कर दूँगी ना तो नहीं दिखेगी। एंड इसलिए पूरा स्पायरल जो है फर्स्ट इस पर ही ख़त्म हो गया, एंड अब मैं सेकेंड यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं अब तक का ये भी पूरा हो चुका है, मैंने पूरी ड्रेस पे ये स्पायरल लगा दिया है। एंड ये ऐसा लग रहा है, एक्चुअली ये बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बट अभी मुझे इसका मेन काम करना है। ये है ब्लैक कलर का स्प्रे एंड ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। एंड सेकंड इज दिस स्प्रे, ब्लू कलर का स्प्रे ये, एंड ये मैं लगाऊंगी। सो शायद ये स्प्रे इतना वो होता ना कि इतनी भी स्मेल होती है इसकी, दैट पूरे अगर मैं लगा दिए तो मैंने यहाँ पे तो पूरे फ्लोर में इसकी पूरी स्मेल आ जाएगी। तो फिर मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद मैं छत पे जा कर ये स्प्रे लगाऊंगी। एंड ये बाकी सब ये हो गया, बहुत टाइम लगा है एक्चुअली इसमें, अच्छा लग रहा है। चलो इसको लेके चलते हैं छत पे।
हद तक। इसको ना कलर करना है, तो मैं स्मेल आ जाएगी ना पूरे फ्लोर में, मैंने कर दिया तो तुम नीचे से कलर लिया। मैं अच्छे से लेता हूँ क्लोजअप। पहले सारा ब्लैक कर लो, फिर उसके इतना मत सोच, ठीक है। आर यू रेडी? ब्लैक पहले ब्लू से शुरू था। लग रहा कुकर की सीटी बज रही है, तू इतना मत कर डार्क। कुकर की सीटी बज रही बन गए, बन गई। आधे घंटे छोड़ दे। आजा। क्या? हम गरम हो रहे थे रखो। ओके सब आ गए हैं नेक्स्ट डे एंड अब साक्षी मेरे साथ नहीं, सो मैं ये खुद ही जा रही हूँ। मुझे इसको अभी क्या करना है, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक से हुआ नहीं है, आई मीन कि यहाँ से साइड से थोड़ा पेंट लगा, तो आई विल पेंट इट फ्रॉम हियर। अब बस थोड़ा सा ब्लू लगाना है एंड देन द ड्रेस इज रेडी। चलो हो गया, अब इसको हम थोड़ा रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि ये सूख जाए, एंड 10 मिनट में सूख जाता है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे कि जब देखो पहले ये किसी काम पर नहीं है, उसको हटा दो में तो पूरी ड्रेस हो गई है पैंट। ओके सो बन गई है ड्रेस, ये देख सकते हैं। सो ये अगर आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा, आई मीन फुल ऑफ ब्लू ब्लैक कलर विथ स्पायरल्स, मुझे तो ये आउटकम बहुत ही अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताने कि आपको कैसा लगा, एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो जो यही है कि विल यू एवर वेयर इट।
will you ever wear this type of dress that is full of spiral or full of different thing, कुछ different पहनना चाहोगे? Will you ever wear it? And hope आपको ये दो हफ्ते की मेहनत पसंद आई हो. Then please hit the like button and subscribe to my channel. Meet you soon. Bye. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई.